है। अब देखिए इसमें है क्या, कहानी क्या है कि मान लो ऐसे करके एक सरफेस है, इस पे दो बॉल रखी गई हैं। मान लो एक बॉल रखी गई ये वाली, और सपोज करो कि एक बॉल रखी गई है ये वाली, दो बॉल रखी गई है। ऐसे कर दीजिए, मान लो पहले वाली जो बॉल है वो ऐसे मूव कर रही है और दूसरी वाली बॉल भी ऐसे मूव कर रही है। इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये है पहले, बिफोर कोलिजन पिक्चर, बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन का पिक्चर इज दैट। और u1 जो है u2 से बड़ा है, बता कोलिजन होगा कि नहीं होगा? होगा होगा सर, होगा। कोलिजन, सब लोग मानते हैं इस बात को। चलो यस सर। तो अब इनका कोलिजन हो गया जी। मान लो ये पहली बॉल और ये दूसरी बॉल, दोनों का कोलिजन हो गया जी। दोनों बॉल का आपस में कोलिजन हो गया जी, मान लो। ठीक है, जब दोनों बॉल का कोलिजन हो गए तो आपस में इंटरनल फोर्स लगाएंगे। ये वाली बॉल काली वाली, लाल वाली बॉल काली वाली बॉल में फोर्स लगाएगी, आगे लगाएगी पीछे लगाएगी? काली वाली बॉल सॉरी, रेड वाली बॉल ब्लैक बॉल पे फोर्स आगे लगाएगी पीछे लगाएगी? रेड वाली बॉल ब्लैक बॉल पे आगे 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 लगाएगी, और ब्लैक वाली रेड वाले पे पीछे? पीछे। इतनी बात सभी को समझ आती है? ये इंटरनल फोर्स है। ये मान लो बॉल ए है, ये बॉल बी है, ये बॉल वन है, ये बॉल टू है। ये फोर्स सेकंड बॉल पे है फर्स्ट के द्वारा, ये फोर्स फर्स्ट बॉल पे है सेकंड के द्वारा। इतनी बात समझ को समझ आती है? F21 और F12 का मतलब समझ आता है? यस सर। F21 फोर्स सेकंड बॉल पे है पहली बॉल के द्वारा, F12 का मतलब पहली बॉल पे फोर्स है सेकंड बॉल के द्वारा। क्या सभी को बात समझ आती है? और लिखना सर क्या आता है, दोबारा से बोलना एक बार। F21 का मतलब है फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट बॉल। ओके सर। और F12 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। ड्यू टू सेकंड बॉल। क्या सभी को मेरी बात समझ आती है? सबकी यस आवाज नहीं आ सर। रही? सबकी आवाज आनी चाहिए, सबका रिस्पॉन्स आनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। अच्छा एक बात बताओ, जो सेकंड बॉल थी आगे जा रही थी कि नहीं जा रही थी? सेकंड बॉल जा रही थी सर, जा रही थी और सर। उसमें धक्का भी आगे की ओर लगा, फोर्स भी आगे की ओर लगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी घट जाएगी? बढ़ जाएगी सर, बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी मान लो बदल के सपोज करो v1 होगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, और इसकी वेलोसिटी सपोज करो v2 होगी। इसकी u2 थी ना, तो ये v2 होगी। अच्छा पहली वाली बॉल आगे जा रही थी, धक्का पीछे लगा? जो पहली वाली बॉल थी ना, जा तो जीरो आगे रही थी, जाएगी। जा तो आगे रही थी, पर धक्का पीछे लगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी घट जाएगी? घट घट जाएगी सर, जाएगी जी। तो इसकी वेलोसिटी घट गई, मतलब थोड़ी वेलोसिटी घट गई सपोज करो, और मान लो ये वेलोसिटी सपोज करो v1 हो गई, दिस वेलोसिटी इज v1। तो ये पिक्चर है ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलिजन हुआ इनके बीच में ड्यूरिंग कोलिजन, और ये पिक्चर है आफ्टर कोलिजन। तीनों फिगर सभी को समझ आती है? मैं दोबारा बता रहा हूं, पहली फिगर में पहली बॉल जा रही है, दूसरी बॉल जा रही है, पीछे वाली बॉल की वेलोसिटी ज्यादा है, दोनों टकरा गई, आपस में इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं F21 और F12। F21 सेकंड बॉल पे फोर्स है पहली बॉल के द्वारा, F12 पहली बॉल पे फोर्स है सेकंड बॉल के द्वारा। दूसरी बॉल आगे जा रही थी, धक्का भी आगे लगा तो वेलोसिटी बढ़ गई, पहली बॉल आगे जा रही थी पर धक्का पीछे लगा तो वेलोसिटी घट गई। क्या तीनों फिगर सबको क्लियर है भाई? क्या तीनों फिगर सबको क्लियर है भाई? यस सर। ये डायग्राम बनाओ, मैं इसके बारे में लिखवाता हूँ। डायग्राम तो नोट करो, मैं इसके बारे में लिखवाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे जी। तो सब लोग एक बार डायग्राम नोट कर दो जी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड पिक्चर्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप नोट कर लो।
नोट कर लिए फिगर के तीनों जीरो हो गए सर। सबका हो गया भी, सबका सबका डायग्राम हो गया। यस सर। तो बस कारण थोड़ा लिखवा रहा हूं, वो लिखो आप लोग कि लाइक टू बॉल। तू से नहीं आ रहा। हां क्या बोल रहे हैं भी, तू पूछ रहा कुछ क्या, मैं समझ नहीं पाया। सबका नोट हो गया डायग्राम। अंकित जी आप। यस सर। Yes, sir. चलो लिखो, टू बॉल्स ऑफ मासेस M1 एंड M2 आर मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटी U1 and U2 and U1 is greater than U2 during the collision. Both ball exerts internal force on each other. F12 and F21. मतलब मैंने लिखा दिया F12 F21 का मतलब क्या है? Therefore, after collision, their velocity now V1 and V2. ये लिख लो जी, फिर मैं आगे करूंगा। हो गया सर। हो गया, सभी का नोट कर लिया, सभी ढंग से नोट कर लेना जी, कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ लेना जी। अपने नोट करते हैं, इन्फॉर्म कर देना मुझे एक बार। हो गए सभी के नोट जी? हो गए सर। चलो जी आगे बढ़ेगा, खुशी जी आगे बढ़े, नोट कर लिया आपने नंदनी जी? यस सर। चलो सुनो जी, अच्छा इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या कंसिडर रहता है सर? मोमेंटम, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो एज इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व रहता है सर, उसका ही पार्ट है। हाँ उसी का पार्ट चल रहा है, पूरा चलेगा, ये डायरेक्शन रहता है। तो बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन रहता मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले कितना मोमेंटम है, ये मोमेंटम लिखा मॉम लिखा था ना, वैसा मोमेंटम बिफोर कोलिजन, एक का हुआ m1 u1 और एक का हुआ m2 u2, यही होगा। यस सर। और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2, तो जाएगा m1 v1 प्लस में m2 v2, ठीक है भाई। और ऐसा मोमेंटम कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व्ड है तो मतलब m1 u1 प्लस m2 u2
बराबर हुआ एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। जितना कोलिजन मोमेंटम का पहले हुआ उतना ही बाद में हुआ, दोनों बराबर होंगे, मोमेंटम कंजर्वेटिव क्योंकि अब मैंने एम वाला फैक्टर उठा के इधर लिया है और टू वाले फैक्टर उठा के इधर ले लिया और एम वन कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में मिल जाएगा मुझे यू वन माइनस वी वन और एम टू कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में मिलेगा वी टू माइनस वी टू। नोट भी कर लो, समझ भी लो, डाउट लगे पूछ भी लो, फिर अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। इस वाले केस में मैंने मोमेंटम कंजर्व किया है, जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद, मोमेंटम कंजर्व किया है कोलिजन से पहले है कोलिजन के बाद, कोलिजन से पहले m1 u1 वाला है, कोलिजन के बाद m1 v1 वाला है, दोनों को बराबर कर दिया, 1 1 वाले अलग कर दिया, 2 2 वाले अलग कर दिया और हमने एक इक्वेशन बना दी। क्या सभी को इक्वेशन समझ में आती है भाई? क्या सभी को इक्वेशन समझ में आती है? कोई डाउट है? यस सर, सबको पॉइंट क्लियर है भाई? पूछ लेना सब लोग मेरे से, इज इट क्लियर भाई? आगे बढ़े, आगे बढ़े। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट ध्यान से करना, नोट जरूर करना, हर स्टेप को प्रॉपरली ध्यान से समझ के नोट करना सभी लोग। ये बोर्ड पेपर में आती है, जर्नल पेपर में आती है 5 मार्क्स की, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है और मैंने इसलिए पहले भी करा दी है ताकि आप लोग समझ सकें। आगे बढ़े, नोट कर लिया तो आप सुनो आगे की। यस, एस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है ना, जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले होगी उतनी बाद में होगी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? हाफ एम वन U1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 का स्क्वायर। एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन? कोलिजन के बाद कितनी होगी? हाफ M1 V1 का स्क्वायर हाफ M2 V2 का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले है और ये काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद है, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वड तो बराबर होगी, इक्वेट करते हैं हम लोग, जब इक्वेट करेंगे तो हाफ एम वन यू वन का स्क्वायर हाफ एम टू यू टू का स्क्वायर हाफ एम वन वी वन का स्क्वायर हाफ एम टू वी टू का स्क्वायर। सारे हाफ कैंसिल, कॉमन आगे कट गए। अब फिर से वी वन वाला मैं इधर लेके जा रहा हूं और यू टू वाला उठा के इधर ले जा रहा हूं और M1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में मिलेगा U1 का स्क्वायर माइनस में V1 का स्क्वायर और यहां से M2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में मिलेगा V2 का स्क्वायर माइनस में U2 का स्क्वायर। समझ समझ के इसको भी नोट करो सभी लोग, बिल्कुल समझ समझ के नोट करना ताकि कोई दिक्कत ना हो और डायरेक्शन रट जाए आपको यहीं पे। तो पहले कंजर्व किया था मोमेंटम, अब कंजर्व कर दिया काइनेटिक एनर्जी, दोनों मैंने कंजर्व कर दिया, मोमेंटम भी कंजर्व हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो गई। बिल्कुल ध्यान से नोट करके मुझे दादा ने तो नोट हो जाए तो डाउट है पूछ लेना मेरे से। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, एक मिनट होल्ड कर रहा है, कॉल आ रही है। हेलो, बढ़िया बढ़िया जी, अभी तो सब कुछ पेंडिंग चल रहा है सर, अभी मैं दिल्ली में ही नहीं हूँ।
हाँ अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली में गया, 4-5 दिन से अभी बारिश हो गया। वो लिंक वाला सर ना वो व्हाट्सएप से नहीं आएगा, वो लिंक वाला ना मेल आई हुई है, तो मैं आपको अगर व्हाट्सएप भी कर दूंगा तो आप उसका यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि वो तो खाली उसकी एक स्क्रीन शॉट होगा। हाँ तो वो यहीं से करना पड़ेगा। उसमें ऑप्शन नहीं है फॉरवर्ड करने का, मैं भाई बाकी चेक कर लूंगा एक बार फिर भी, अगर फॉरवर्ड हुआ तो मुझे अपना मेल आईडी दे देना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा आपने करा दी पेंट गैस वो? अच्छा कब कराई थी? कल? तो पैसे से बात हो गई थी अभी से? तो मैं आप मुझे मेल आईडी करना, अगर फॉरवर्ड होता मैं फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक। हेलो यस सर। चलो जब आगे सुनो जरा, क्या ये नोट कर लिए सर? कुछ पूछना पहले बोलो मेरे से जी। नो सर। इसमें किसी ने कुछ पूछना पॉइंट? सबके पॉइंट क्लियर हो गए जी। नंदनी जी आपने कुछ पूछना है? मधुर जी पूछना है कुछ? नंदनी मधुर जी आवाज आ रही है मेरी दोनों को? यस सर यस सर। कुछ पूछना है? डाउट तो नहीं कोई? खुशी जी चलो ठीक है जी। ये तो आ गया हमारे पास पहली क्वेश्चन। हमारी पहली क्वेश्चन कहां से आ गई? पहली क्वेश्चन, अच्छा पहले क्वेश्चन पीछे दूसरी बन गई वाली। अब दोनों क्वेश्चन यूज करते चलो देखो जाओ। हमारी पहली क्वेश्चन बोलना क्या था? M1 U1 माइनस V1 बराबर M2 V2 माइनस U2। क्या हमारी पहली क्वेश्चन यही थी क्या? हमारी पहली क्वेश्चन ये थी क्या? यस सर। और दूसरी क्वेश्चन आई हमारे पास M1 U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर M2 V2 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर। यही हमारी दूसरी क्वेश्चन थी क्या, सेकंड वाली? यस सर। अब मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया जी। M2 से M2 कट गया, M1 से M1 कट गया। अच्छा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? A square minus B square A minus A minus B और A plus B A plus B V2 minus U2 इसका फार्मूला V2 minus U2 और V2 plus U2। V2 minus U2 कट गया, U1 minus U1 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको उठा के इधर लेके जा रहे हैं, इसको उठा के इधर लेके जा रहे हैं, हमको मिलेगा V2 plus U2 बराबर में U1 प्लस V1। और इसको मैं लिख रहा हूं ऐसे करके ध्यान से देखना, V2 माइनस V1 और U1 माइनस V2। यहां तक नोट करोगे आप लोग। हमारी तीसरी क्वेश्चन आ चुकी है दोनों को डिवाइड करने से। मोमेंटम कंजर्वेशन की क्वेश्चन को एनर्जी कंजर्वेशन की क्वेश्चन से डिवाइड कर दिया, मास सारे कट गए हैं और कुछ वेलोसिटी के फैक्टर भी कट गए हैं, उनको फिर हमने एक्सचेंज कर दिया और मुझे अब रिलेशन मिला है V2 माइनस V1 बराबर में U1 माइनस V2। सभी लोग ध्यान से नोट कर लो समझ समझ के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में, ये डेरिवेशन बड़े इंपॉर्टेंट है और आती भी है हर बार, मैक्सिमम टाइम में आती है ये। तो मेरे कराने का पर्पज यही है कि शायद कल नंदनी जी आपका पेपर तो शादी वाली डेरिवेशन आ जाए और बढ़िया सा कर दो। करते ही इन्फॉर्म कर देना मुझे और डाउट है तो पूछ लेना मेरे से। हो गया सर।
सबका नोट हो गया ना, चेक कर लो सर, बस लास्ट बचा सर। हाँ कर लो, कर लो, कर लो आराम से। हो गया सर, सबका हो गया भी। चलिए अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनाने की बात, सब लोग सुन लेना, अंडरस्टैंड कर रहा, सबका नोट हो गया ना ये लास्ट स्टेप। यस सर। अच्छा मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ध्यान सुन, सपोज करो इस वाले केस में इसकी वेलोसिटी मान लो 10 है और इसकी वेलोसिटी मान लो 3 है, इसकी वेलोसिटी मान लो सपोज करो 17 या मान लो इसकी वेलोसिटी सपोज करो 18 है, आगे वाली 10 से भाग रही है, पीछे वाली 18 से भाग रही है, तो कितनी वेलोसिटी से पीछे वाली आगे की तरफ जा रही है, आगे वाली बॉल की रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से पीछे वाली आगे वाले को कैच करने की कोशिश कर रही है। 8। सब लोग बताओ, सब लोग, कि अगर आगे वाले की 10 हो पीछे वाले की 18 हो तो किस रिलेटिव वेलोसिटी से पीछे वाली बॉल आगे वाले को कैच करने जा रही है, वो 18 होगी या 8 होगी, बताओ जी। कार्तिक जी बताओ जी, बाकी सभी लोग 8 सर, 8 तो 8 होगी भाई, अंकित जी 8 होगी कि नहीं होगी बेटा? यस सर 8 होगी। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिस वेलोसिटी से इनके बीच का गैप कम होगा ना वो वेलोसिटी हो जाएगी u1 माइनस में u2, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब कोलिजन के बाद सपोज करो ये वेलोसिटी मान लो सपोज करो बढ़ने के बाद 10 से मान लो 15 हो गई और ये वेलोसिटी घट के सपोज करो 18 से घट के मान लो सपोज करो ये रहेगी मान लो 12 रहेगी। अगर आगे वाली की वेलोसिटी 15 हो गई और पीछे का घट के 12 हो गई तो इनके बीच की दूरी बढ़ेगी, इनके बीच की दूरी घटेगी? अगर आगे वाले बड़े, अगर आगे वाले की वेलोसिटी 15 हो गई, पीछे वाले की वेलोसिटी घटने से उल्टा फोर्स से घट गई 12 रह गई, तो इनके बीच की दूरी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी सर, इनके बीच की दूरी बढ़ेगी। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और इसको हम लिखते हैं v2 माइनस v1। तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जिस वेलोसिटी से दूरी कम होती है वो ये होता है, जिस वेलोसिटी से दूरियां बढ़ती हैं वो ये होता है। क्या सभी को मेरी बात समझ आ रही है भाई? यस सर। सभी को बात समझ आ रही है तो चेक कर लो। यस सर। तो बिल्कुल चेक कर लो ध्यान से जी, कि जो हमने ये पढ़ा है ना ये इसके भी आगे एक होती है। ये जो चीज है ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और बराबर में ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और दोनों आपस में बराबर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलास्टिक कोलिजन में दोनों बराबर होते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों बराबर होते हैं इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। नोट कर लो, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और दोनों आपस में एग्जैक्टली बराबर होते हैं इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, बोथ आर इक्वल, मैंने प्रूफ किया है। एक बार नोट कर लो, नोट करते हैं, मुझे बता देना एक बार फटाफट से। होगा सर, सबका नोट हो गया, सबने नोट कर लिया, सबको पॉइंट क्लियर? किसी को कुछ रह गया तो बता दो मुझे, किसी को कुछ रहना नहीं चाहिए, सबका नोट हो गया भैया? हाँ भाई नोट हो गया सभी का? हो गया सर। यस सर। पक्का? तो चलो जी, अब इसमें हमने निकाला v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2 और यहां से v2 निकालेंगे तो आ गया u1 माइनस u2 प्लस v1। एक्चुअली देखो हमें क्या है, हमने जो डायग्राम शुरू किया था उसमें ये u1 था, इसमें ये u2 था और ये वेलोसिटी हमें मालूम है, कोलिजन से पहले वेलोसिटी की वैल्यू हमें मालूम है,
लेकिन कोलिजन के बाद वेलोसिटी की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, मुझे u1 e2 तो मालूम है, मुझे v1 v2 नहीं मालूम, मुझे v1 v2 निकालना है। अच्छा ये जो मैंने v2 निकाला है इसमें u1 पता है, इसमें u2 पता है, पर क्या v1 पता है? नहीं सर। देखो ये हमें दोनों वेलोसिटी पता है, ये दोनों मुझे निकालनी है। यहां से मैंने v2 निकाला, u1 पता है, u2 पता है, पर क्या मुझे v1 पता है? बाकी लोग बताएं सभी लोग जल्दी से, जल्दी बोले फटाफट, क्या मुझे यहां पर v1 पता है या नहीं पता है? आवाज नहीं आ रही किसी की? नहीं पता सर। अंकित भैया जी, नंदनी जी, खुशी जी, मधुर अग्रवाल, सब लोग बताएं। नहीं पता सर। अब देखो जी, हमारे पास एक रिलेशन आया था, याद होगा हमारे पास एक रिलेशन आया था m1 और ब्रैकेट में था v1 माइनस u1 बराबर m2, ये था हमारे पास, नहीं ये हमारे पास था, ये m1 u1 माइनस v1 बराबर m2 v2 माइनस u2, आया था हमारे पास रिलेशन ये वाला? यस सर। सब लोग बताओ रिलेशन आया था ये वाला? यस सर। बाकी सब लोग बताओ, सब लोग यस सर। तो ऐसा करो मीटिंग चेंज करो फटाफट दो मिनट के अंदर से, मैं इसका लास्ट स्टेप करने वाला हूँ, कभी टाइम कम रहेगा तो मीटिंग खत्म हो जाएगी, हम नोट नहीं कर पाएंगे। ज्वाइन द नेक्स्ट मीटिंग फास्ट, सबने फास्ट ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा टॉपिक रह गया पर एकदम फास्ट मीटिंग ज्वाइन करनी है, टाइम नहीं लगा रहा किसी में।